हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शिवानी शिवे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोगों ने सिद्धि विनायक मंदिर का व्लॉग तो देखा ही होगा। तो अभी हम लोग सिद्धि विनायक से डायरेक्ट आ गए हैं महालक्ष्मी टेंपल। सो फटाफट से चले, पहले चलते हैं, दर्शन करते हैं, बाकी की बातें साथ साथ करते हैं। तो कैब से उतरते ही हमें दिखा स्वामी नारायण जी का मंदिर, लेकिन पहले चलते हैं महालक्ष्मी टेंपल, आते वक्त हम स्वामी नारायण मंदिर भी चलेंगे। तो अभी हम लोग कैब से उतर गए हैं और कैब से उतरते ही हमें सामने देखा स्वामी नारायण जी का मंदिर, और उन्हीं के साथ उस मंदिर के साथ ही ये गली अंदर जा रही है जहाँ से आपको महालक्ष्मी के लिए, महालक्ष्मी मंदिर के लिए जाना है। सो आई होप अंदर वीडियोग्राफी अलाउड हो, सो मैं आके भी दर्शन आप लोगों को करा पाऊँ। तो ये कुछ इस तरीके की गली है महालक्ष्मी मंदिर तक पहुंचने के लिए, ये रास्ता है। तो काफ़ी लोग आ रहे हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दर्शन करके मंदिर से, तो हम भी चलते हैं फटाफट, भागते हैं जल्दी से। तो पहले तो मुझे इतना क्राउड नहीं दिख रहा था यहाँ पर, मुझे लगा था शायद इतने लोग नहीं हैं, लेकिन अभी मुझे लोग दिखना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर भी माँ के दर्शन के लिए काफ़ी लोग आए हुए हैं, और यहाँ पे आसपास जिस गली से हम निकल रहे हैं आसपास में लोकल शॉप्स हैं पूजा मंदिर में पूजा का सामान के लिए। तो अगर आप लोग फूल माला चढ़ाना है तो वो यहाँ से ले सकते हैं। तो ये जो सामने टेंपल दिख रहा है यही है महालक्ष्मी टेंपल। तो ये लोग भी सारे भक्त वहीं से आ रहे हैं दर्शन करके, तो हम भी चलते हैं फटाफट से माँ के दर्शन करते हैं। तो ये हम मंदिर के बिल्कुल सामने पहुंच गए हैं, और ये स्टेयर्स हैं कुछ इस तरीके से, आपको ऊपर चढ़ के जाना है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया शूट करने के लिए, तो इसलिए मैं इतना ही दिखा पाई आपको यहाँ से। तो ये यहाँ पर शू स्टैंड है, आप यहाँ पर अपने जूते चप्पल जो भी आपने पहना हुआ है वो यहाँ पर उतार सकते हैं। तो ये मंदिर के बाहर ही हमें फूल की दुकान मिल गई जो अंदर मंदिर में चढ़ाना है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। थाली अलग अलग उसका प्राइस है, वो जिस हिसाब से भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। और कमल के फूल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे थे, बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर से। तो इन्होंने जो थाली बना के रखी हुई थी या टोकरा बना के रखा हुआ था उसके आप अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, या खुद से भी थाली प्रिपेयर करवा सकते हैं, आपको क्या क्या उसमें ऐड करवाना है। तो चलो, हम लोगों ने मंदिर में एंट्री कर ली है, और मुंबई के प्राचीन मंदिरों में से एक है यह महालक्ष्मी मंदिर, और ज़्यादा रश नहीं है यहाँ पर, ज़्यादा क्राउड नहीं है, और लाइन भी अच्छे से चल रही है। बट मैंने एक्चुअली नोटिस किया अभी कि मंदिर के अंदर बिल्कुल पास से वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से आपको माँ के दर्शन करा रही हूँ। क्योंकि जो लोग भी पास से शूट कर रहे हैं उन्हें पंडित जी बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दे रहे हैं कि बिल्कुल भी शूट करना नहीं है। तो हम लोग दर्शन करके नीचे सीढ़ियाँ उतर आए हैं, और बहुत मुश्किल से मैं माँ के दर्शन करा पाई क्योंकि बिल्कुल भी शूटिंग अलाउड नहीं है। इनफैक्ट मैं जब मैं मंदिर से बाहर निकली तभी भी वो शूट नहीं करने दे रहे थे। तो ठीक है, उनका कुछ सिक्योरिटी पर्पस होगा तो इसलिए ठीक है। और फिर जब हम बाहर आए तो ये माँ की बहुत ही प्यारी प्यारी खूबसूरत सी हमें प्रतिमा दिखी। अभी मैं और मम्मी आ गए हैं महालक्ष्मी के दर्शन करके, जिसमें बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी प्रतिमा है महालक्ष्मी की, जिसमें महालक्ष्मी, सरस्वती और काली माँ है, और बहुत ही प्यारी खूबसूरत प्रतिमा है। सो बिल्कुल अंदर ना बिल्कुल ही कैमरा बंद था, मतलब जैसे भी मैं शूट करने लग रही थी तो वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दे रहे थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा शूट किया आप लोगों के लिए। लेकिन और बिल्कुल भी व्लॉग्स अलाउड नहीं है, फ़ोटोज़ अलाउड नहीं है, मतलब कुछ भी वो पिक्चर्स वगैरह क्लिक नहीं करने दे रहे थे। तो लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा मंदिर है, अगर आप लोगों को अगर आप लोग आएंगे तो ज़रूर यहाँ पे आना। तो महालक्ष्मी मंदिर के तो दर्शन हो गए और बहुत अच्छे दर्शन हुए, तो अब हम लोग जा रहे हैं स्वामी नारायण मंदिर। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि पहले महालक्ष्मी के दर्शन करेंगे फिर स्वामी नारायण मंदिर चलेंगे, सो अभी चलते हैं वहाँ पर भी उनके दर्शन करते हैं, शिव जी के दर्शन। तो हम लोग पहुंच गए हैं स्वामी नारायण जी के मंदिर में, और काफ़ी सुंदर मंदिर है, और अंदर से तो और भी ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है, प्रतिमाएं बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। Thank you.
हम स्वामी नारायण जी के दर्शन करके और बहुत ज़्यादा ही हम लोग थक गए, मतलब चलने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी, तो मुझसे तो एक कदम भी अब ऐसा हो रहा है कि बस अब कोई गोदी में उठा ले मुझे, चले हम घर। लेकिन अभी हमें हाजी अली और मुंबा देवी भी जाना है, वहाँ के भी दर्शन करने तो हमें थोड़ा सा अपने अंदर ताकत लेके आनी पड़ेगी ताकि आगे दर्शन अच्छे से कर सकें। लेकिन तो मेरी और मम्मी की ऐसी हालत हो रखी है कि हम दो दिन से ऐसे ही होता, सुबह से निकलते हैं शाम को घर पहुंचते हैं, इतना ज़्यादा थक जा रहे हैं, मतलब आराम करने की हमें फुर्सत ही नहीं मिल रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है ना मम्मी कि मेरे को मैं आराम ही नहीं कर पा रही, वरना मैं तो आराम से खा पी भी नहीं रहे सच में हम लोग कुछ खा पी भी नहीं रहे हैं लिटरली, होता है सुबह में बस पानी, कोल्ड ड्रिंक, हमें कुछ छाछ मिल जाए, लस्सी मिल जाए, गन्ने का रस मिल जाए, बस यही, कोई ना रोटी खा रहे हैं ना कोई सब्जी खा रहे हैं, मतलब ऐसे ही पूरा दिन हमारा निकल रहा है। पता नहीं हवा चेंज हुई है, पानी चेंज हुआ है, इस वजह से हो रहा है या क्या हुआ, लेकिन अभी हमें थोड़ी सी अपने अंदर ताकत लेके आनी पड़ेगी क्योंकि अभी हमें और जंग लड़ने जाना है। तो फाइनली महालक्ष्मी माँ के बहुत खूबसूरत दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा, दिल को सुकून मिला माँ के दर्शन करके, और स्वामी नारायण जी के भी दर्शन हो गए। अब हम लोग चलते हैं हाजी अली और मुंबा देवी, उसका व्लॉग आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। बाय बाय।